नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद क्या वो जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या कानूनी रूप से केजरीवाल का इस्तीफा देना अनिवार्य है? क्या जेल से सरकार चलाना व्यवहारिक और नैतिकता के हिसाब से सही है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगी। इस बारे में तमाम पहलुओं की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जांच की आज के बाद मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार रात को गिरफ्तार हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और एजेंसी की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक से इनकार के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि हाईकोर्ट से सीएम की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा गया था। अब सवाल ये है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा देंगे या जेल के भीतर से ही सरकार चलाएंगे? आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे से इनकार किया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। सुनिए उनका बयान। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानून के जानकारों का मानना है कि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्ध नहीं माना जा सकता है। स्थिति में किसी भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होने से तुरंत उनका पद नहीं जा सकता है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि देखना होगा कि जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, साथ ही लोकतंत्र की परंपराओं को कितना अनुरूप होगा। इसके लिए जेल के नियमों से लेकर तमाम तरह के पहलुओं पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। कैबिनेट मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ऐसे में ये पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर निर्भर करेगा। देश की राजनीति में सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी गिरफ्तार हुई थी। उनके बाद ओ पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी इसलिए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए उनका बयान। इसके अपने दो दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में। आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है। और इसी शराब कांड के मामले में जब नौ बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जब हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। कोई सीएम या मंत्री अगर जेल जाता है तो कानूनी रूप से उसका इस्तीफा देना अनिवार्य नहीं होता है। सजा याफ्ता को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन है, लेकिन कोई आरोपी है तो जेल में भी है तो वह एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ सकता है। जो चुनाव लड़ सकता है वह जेल में रहते मंत्री भी बन सकता है। नमस्कार।